कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा के किसानों ने शुक्रवार को टोल फ्री करवाने का ऐलान किया। इसी के मद्देनजर किसानों ने शुक्रवार को अलग अलग जिलों में टोल फ्री करवा दिया। हरियाणा में रात से ही किसान अपने ऐलान के मुताबिक टोल फ्री करवाने में जुट गए। कहीं किसान टोल प्लाजा पर बैठकर धरना करते नजर आए तो कहीं टोल प्लाजा पर जाकर अपील करते नजर आए। बहादुरगढ़ के रोहत टोल प्लाजा को भी किसानों ने टोल फ्री करवाया और कहा कि 27 दिसंबर तक रोहत टोल फ्री रहेगा। दिल्ली रोहतक रोड पर रोहत गांव के पास किसानों ने टोल कर्मचारियों को टोल बूथ से बाहर निकाला और टोल फ्री करवाया। ये जो टोल फ्री करवाया है रोहत टोल फ्री NH9 पर रोहतक से दिल्ली NH के ऊपर, ये अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की कॉल थी, उनका आह्वान था कि पूरे देश के अंदर और हरियाणा के अंदर टोल फ्री करवाए जाएंगे। तो यहाँ किसान सभा ने अपने आसपास के ग्रामीण साथियों के साथ मिलकर के ये टोल फ्री करवा दिया है। 25, 26, 27 तारीख तक ये टोल फ्री रहेगा और ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण है हमारा आंदोलन। और यहाँ पर भी टोल कर्मचारियों से हमने आराम से बात करी, उन्होंने भी हमारे से बात करी और बड़े ही शांति, आखिरकार वो भी किसान और मजदूर के ही बच्चे हैं, उन्होंने हमसे बात करके ये टोल फ्री कर दिया है। वही बात करनाल की करें तो करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों ने पहुंचकर टोल फ्री करवाया। किसान धरने पर बैठे और प्रदर्शन शुरू किया। किसानों का कहना है कि आगे भी टोल बंद करवाने के लिए वो यही डटे रहेंगे। ये टोल फ्री कराए हैं वैसे 3 दिन के लिए, पर ये तब तक बंद रहेगा जब तक हमारा मुद्दा क्लियर नहीं होता, ये कटीले कानून वापस नहीं होते। ये अब कानून नहीं खुलेगा, टोल ये अब टोल नहीं खुलेगा, 2 दिन के लिए सोच रहे हो या 3 दिन के, ये परमानेंट बंद है। किसानों का कहना है कि आज टोल बंद करने की शुरुआत कर दी गई है और 3 दिन तक ऐसे ही टोल प्लाजा बंद रखे जाएंगे। गाड़ियां, ट्रक, ट्रॉलियां बिल्कुल फ्री जा रही हैं। टोल काउंटर पर कोई कर्मचारी नहीं बैठा है। हमारी धरती माँ है वो, और हम लोग उसके लिए लड़ने के लिए, हक के लिए आए हैं। हमारा ये फर्ज है कि हम लोग उसके लिए खड़े हों, चाहे वो महिलाएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हमारी तरफ से सभी को किसान आंदोलन में शामिल हों। पानीपत में किसानों ने हंगामा करते हुए GT रोड पर LNT टोल प्लाजा फ्री करवाया। किसानों की अपील के बाद भी टोल कंपनी ने टोल फ्री करने से मना कर दिया, लेकिन हंगामे के बीच टोल फ्री करवाया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर बात आगे ना होने से ये आंदोलन आगे कितना लंबा और चलेगा ये अभी तय नहीं है। अब इंतजार है तो सरकार के फैसले का।